संचालन समिति। हम आज जेल भरो आंदोलन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी अभी तक सरकार ने कोई वार्ता नहीं की है और हम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ये मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो 18 फरवरी को जो हम विधानसभा के सामने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किए हैं उसमें सरकार को दिखाएंगे कि अगर आपने जेल अगर आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो हम सरकार को चलने नहीं देंगे, ये निर्णय हम लेने जा रहे हैं। अभी तक ये जैसा कि आपका ये तीसरा दिन है, क्या इस बीच में किसी से वार्ता हुई शासन इस तरह? शासन कम है, शासन क्या वार्ता करें, शासन को नई पेंशन पर बात करने की दुआ के नई पेंशन पर हमको बातें नहीं करनी, हमको पुरानी पेंशन चाहिए और पुरानी पेंशन पर बात करने के लिए सरकार जब तक नहीं बुलाती है और पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं करती तब तक हमारे यहाँ पर। अपना परिचय देते हैं। सुशील पांडे, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, संयोजक संयुक्त संघ संचालन समिति। इस आंदोलन को पुरानी पेंशन 1 अप्रैल 2005 से प्रदेश में कर्मचारी शिक्षकों से छीन ली गई है, नई पेंशन लागू कर दी गई है, इसलिए कर्मचारी शिक्षक एक समन्वय समिति यस फोर के माध्यम से जिले में रैलियाँ हुई, मशाल जुलूस निकाले गए 2 अक्टूबर को, पूरे प्रदेश में कर्मचारी शिक्षक जन चेतना यात्रा निकली 75 जनपद में, प्रदेश में 20 दिसंबर को रैली हुई। आज जेल भरो आंदोलन के क्रम में आज तीसरा दिन है, 21 को 24 को आज 28 को चल रहा है पूरे प्रदेश में। अभी तक आपके पास कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? अभी तक हमारी 50,000 की लगभग गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और 5 तारीख अंत होते होते लाखों की संख्या में पहुँचेंगी, कई लाख में, और 5 तारीख में पूरे लखनऊ के विधान भवन के सामने लाखों कर्मचारी और शिक्षक अपनी गिरफ्तारी करें। मीडिया प्रभारी जी सर परिचय देते हुए बताएं। मैं विनय कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति का मैं ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हूँ और साथ में मीडिया प्रभारी हूँ। ये पुरानी पेंशन जो 1 अप्रैल 2005 के बाद बंद कर दी गई, उसका लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन 5 सितंबर से कर रहे हैं, अनेक अनेक चरणों धरना प्रदर्शन किया, प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया, इसी इको गार्डन में 20 तारीख को प्रदर्शन किया, उसमें भी सरकार वार्ता केवल नई पेंशन पर करना चाहती थी, वार्ता नहीं की गई, हमको पुरानी पेंशन चाहिए, केवल पुरानी पेंशन सेवा, हम किसी भी चीज़ पर वार्ता करने को तैयार नहीं है। जब 20 दिसंबर को हमारी वार्ता इस विषय पर नहीं हुई पुरानी पेंशन पे, तो 20 दिसंबर को घोषणा हुई कि हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। आदरणीय एसपी तिवारी जी ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की और आज उसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हम लोगों ने आज भी गिरफ्तारी दे रहे जीपें खड़ी हुई हैं, पुलिस के लोग आ रहे हैं, लाइव के लोग आए, उनको ज्ञापन दिया गया है और इसके बाद हमारा 31 तारीख बचता है, 31 5 फरवरी